नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जेएमएम विधायक सीता सोरेन राज्यपाल रमेश बैस से मिलने राजभवन पहुंची और इन्होंने जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहा इन्होंने। आज राज्यपाल महोदय से मुलाकात कर रहे हम आए, एक ज्ञापन देने के लिए आए थे। जिस तरह से झारखंड में चल रही है, जिस तरह से भूमि लूट, पूरा लूट पाट मचा हुआ है चारों तरफ झारखंड में, और हमारी सरकार है उनको भी हम संज्ञान में दिए हुए हैं। आप कितना आगे का दिन में कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं, जिस तरह से गुरुजी बाबा और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी झारखंड अलग राज्य के लिए इतने सालों तक संघर्ष करते रहे और अलग राज्य बना, उनका मकसद था कि यहाँ पर रहने वाले आदिवासी मूलवासी शोषित पीड़ित मजदूर वर्ग का विकास हो। लेकिन लंबी इंतजार करने के बाद भी आज तक हम लोग को जो बदलाव है वो देखने को नहीं मिला। आज हम देख रहे हैं भूमि की लूट हो रही है, कितनी संख्या में जो है कि दलाल के माध्यम से CNT एक्ट के जमीन को बेची जा रही है। यहाँ पर जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और आज जब हम देख रहे हैं कि वन भूमि को भी अतिक्रमण किया जा रहा है। जब मेरे संज्ञान में आया चतरा में जो है कि CCL कंपनी के द्वारा वन भूमि पर अवैध रूप से रास्ता बना हुआ है, और जब इस मुद्दे को लेकर के हम विधानसभा में भी अपना प्रश्न को रखे ध्यान आकर्षण के माध्यम से, तारांकित के माध्यम से, पूरे तरह से संतुष्टि जवाब हमको बिल्कुल भी नहीं मिले। विधानसभा को भी गुमराह किया गया। इस पर हम CM से भी वार्तालाप किए, जो है कि ऐसे पदाधिकारी के ऊपर वन विभाग के जो पदाधिकारी है जो कि कई वर्षों से CCL को संरक्षण देकर के उस रास्ता को बनाया था, लेकिन आप तक सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं कि कार्रवाई कराएंगे, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं कर। राज्यपाल पूरे आश्वासन दिए इस पर जांच करवाएंगे अपने स्तर से, और जो वाजिब होगा करेंगे। आप लोग जिस तरह से बातें लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा रहे हैं, आप हो गए लोबिंदा हो गए, लगातार जिस तरह से आप लोग समस्याएं उठा रहे हैं, आप लोगों पर सरकार गिराने तक क्या आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जन मुद्दा को जो हम ला रहे हैं पूरे सच्चाई से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसके ऊपर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करके साजिश के एक तो हम कहेंगे कि फंसाने का ही काम कर दे रहे हैं हमको, मेरे जो जवान है वो हम अपना बोलना बंद कर दे, शांत हो जाए, इसीलिए ये साजिश है और बेबुनियाद है। किसी तरह से हम ना भाजपा से मिले हुए हैं और ना इस पर हम कुछ काम कर रहे हैं। हम विधायक बने हैं तो जन मुद्दा को हम लेकर के आ रहे हैं, उनका समाधान हो, कार्रवाई हो। विधायक है आपके पति ने सींच कर इस पार्टी को बनाया, लगातार ये बात आप कहती रही हैं, कहाँ पे कोऑर्डिनेशन में कहाँ दिक्कत हो रहा है कि मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पा रही है, क्या सुप्रीमो जो JMM सुप्रीमो से बात नहीं हो पा रही है, पार्टी के क्या दिक्कत? क्यों आपको नहीं अपना पा रहे हैं और क्यों आपके खिलाफ इस तरीके का फिर आरोप लगा रहे हैं आप? कह रहे हैं ये भी कहा जा रहा है कि लिखित, देखिए दबे जुबान से अगर कुछ कह रहे हैं तो, लेकिन सामने तो कुछ भी नहीं आ रहा है। कहाँ चिट्ठी है, किस पर लिखे हैं, कौन सा चिट्ठी पर साइन किए हैं, ये तो अभी तक किसी ने देखा नहीं। सच क्या है, सच्चाई क्या है, आखिर वो चार विधायक है कि कोई विधायक ही नहीं है, तो ये तो कोई प्रूफ है ही मैडम। लोबिन हमारी बात है, लोबिन है जिन मुद्दों वो अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, सब कोई अपना अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बीजेपी दोनों अचानक से दिल्ली दौरे पे चले जाते हैं और टूर पे जाते हैं, फैमिली टूर पे, वो तो हम नहीं जानते हैं कहाँ गए हैं। सीता जी, ये बीजेपी
जो विधायक उनसे भेंट ना कर पाए, जो पार्टी के कार्यकर्ता वो समस्याओं को ना रख पाए, कैसा? आप पता नहीं क्या है, उतना तो गहराई में हम नहीं जा सकते। मैडम आपके एकजुट हैं, सभी विधायक एकजुट हैं और सरकार के साथ हैं। अब देखिए साथ तो है, सबको साथ है, ऐसा नहीं है कि हम लोग एकजुट नहीं है, लेकिन सब परेशान भी है अंदर से, सब मजबूर भी है, साथ होकर के भी सब मजबूर है। कितने लोग मजबूर हैं? कैसी मजबूरी की वजह, मतलब क्या क्षेत्र में काम देख ही रहे हैं, मजबूर होकर के सब कुछ चल रहा है, सारे लोग मजबूर हैं। तो आपने सुना कि जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने क्या कहा। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।